नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना जियो के नंबर को अगर फ़ोनपे वॉलेट के थ्रू रिचार्ज करते हैं तो वहां से आप अपना 50 रुपये वाले जियो के वाउचर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ोनपे वॉलेट के थ्रू रिचार्ज करने जाते हैं अपना जियो नंबर को, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर अपना जियो नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपना अमाउंट डाल देता हूँ। 498 रुपीज़ का पैक में से मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे मिल गया है। 498 रुपीज़ का पैक मैंने सिलेक्ट कर लिया है और पेमेंट ऑप्शन में मुझे अपना वॉलेट का बैलेंस शो करता है। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पर जो है 50 रुपये वाले वाउचर्स नहीं मिलते हैं। तो उन कूपन्स को यूज़ करने के लिए हमको जो है MyJio ऐप के अंदर से रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो जियो नंबर है उसका जो इंटरनेट पैक है उसका वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है लगभग 3 घंटे 49 मिनट के बाद। तो मैं यहाँ पे रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको अपना जो पैक है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 2GB वाले पैक से अपना 498 रुपीज़ का पैक सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो है बाय ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये रीडायरेक्टिंग हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 498 रुपीज़ का पैक में से जो है 50 रुपये का कूपन पहले ही यूज़ हो चुका है और मुझे पेमेंट करना है 448 रुपीज़ का। तो ये वाला पेमेंट मैं कर सकता हूँ UPI के थ्रू, जियो मनी के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, और साथ ही में नीचे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो ये वाला जो फ़ोनपे का ऑप्शन यहाँ पर है ये पहले नहीं था, अभी 1-2 दिन पहले ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो मैं यहाँ पर जो है फ़ोनपे ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और हमको यहाँ पे अपना जिस नंबर पे फ़ोनपे अकाउंट है उस नंबर को यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे वो नंबर को डाल देता हूँ और नंबर को डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और फिर हमारे उस नंबर पे एक OTP आने वाला है फ़ोनपे की तरफ से। तो ये OTP मुझे मिल गया है, इस OTP को हमको यहाँ पे डालना है और जो है वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोनपे वॉलेट का बैलेंस है वो 100 रुपये है और मेरा जो कार्ड वैल्यू है वो 498 रुपीज़ का है और मुझे जो पेमेंट करना है वो 348 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर पे बाय फ़ोनपे पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोनपे वॉलेट का 100 रुपये का बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है और मुझे यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से 348 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो ये 348 रुपीज़ का पेमेंट जो है हमको फ़ोनपे वॉलेट के थ्रू करना है और मैं यहाँ पे अपने कार्ड का जो CVV कोड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ और ये CVV कोड मैंने डाल दिया है। CVV कोड डालने के बाद हमको सिंपली पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी हमको यहाँ पे एक OTP आने वाला है हमारे बैंक की तरफ से। तो ये OTP मुझे मिल गया है, ये वाला OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और जो है मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने फ़ोनपे वॉलेट के थ्रू अपना जियो रिचार्ज किया और 50 रुपये वाले वाउचर्स को भी यूज़ कर लिया और हमारा जो फ़ोनपे वॉलेट के अंदर जो 100 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ था उसको भी जो है हमने यूज़ कर लिया और बाकी का पेमेंट जो है वो हमने कर दिया अपने कार्ड से।